और मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में एक 8 मंजिला इमारत के गिरने की खबर है। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जाता है कि 8 मंजिला इमारत है ये रिहायशी इलाका था, वो बिल्डिंग गिर गई है, उसमें कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत के काम को अंजाम तक पहुंचा रही है। इस वक्त भी बचाव का काम वहां पर चल रहा है। हमने जब पिछली बार अपने संवाददाता से बात की थी तो उसके मुताबिक करीब 40 लोग इसमें दबे होने की आशंका थी। 8 लोगों के घायल होने की खबर आ चुकी है, जिनको मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई से सटे ठाणे के पास डोंबिवली का इलाका है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। एक रिहायशी इमारत, 8 मंजिला इमारत गिर गई। और अभी अभी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो चुकी है। पहली खबर है इस हादसे की, एक व्यक्ति इसमें मारा गया है और 8 घायल हैं, जो शुरुआती जानकारी यहां से मिल रही है। आज शाम की घटना है। इमारत के गिरने की वजहों का पता नहीं चला है, पर इस बात के बारे में कहा गया कि करीब 40 लोग इसमें अभी भी दबे हो सकते हैं। हमारे सहयोगी विक्रांत चौहान सीधे इस वक्त जुड़ गए डोंबिवली से। विक्रांत, एक बुरी खबर, एक व्यक्ति के हादसे में मौत हुई है, और क्या ताजा अपडेट है आपके पास? सुमित, अभी तक यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 12 इंजर्ड है और अभी तक घायलों को निकालने का काम चालू है। काफी हद तक यहाँ के जो स्थानीय लोग है उनकी काफी हद की मदद मिल रही है। बीएमसी थाने महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है, तो काफी हद तक यहाँ पे रात के काम जोर शोर से शुरू है। विक्रांत, क्या ये बिल्डिंग डेंजर जोन में आती थी? क्यों गिरी ये बिल्डिंग, क्या वजह है? इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये 4 महीने पहले ही कंस्ट्रक्ट हुई गई थी और पूरी तरह से ऑक्यूपाई की गई थी। यहाँ पे लोग यहाँ पे रहने वाले थे। इस बारे में अभी कुछ भी अगर बिल्डिंग गिरी की वजह क्या है तो पता नहीं चल रही है। चलिए विक्रांत, आप नजर रखिए, हम आपके साथ आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।